सो गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले आपके फायदे की बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक गिव वे रॉयल पास का। तो गिव वे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, कमेंट, सिर्फ एक ही कमेंट, उसके साथ अपनी पबजी आईडी, तो जाइए कमेंट कर दीजिए। और गाइस रुको, जरा सबर करो। और मैं एक और आपको चीज बता दूं कि वीडियो में मैं 3 की देने वाला हूं, वो की आपको साथ में लिखनी होगी, तभी ही आपको वो गिव वे मिलेगा रॉयल पास का। तो ऐसे ही मत कमेंट कर देना, मेरी पूरी बात अगर नहीं सुनी है तो दोबारा सुन लो। 3 की दूंगा मैं वीडियो में, तो वो आपको कमेंट में लिखनी होगी अपनी पबजी आईडी के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए मेरा इंट्रो, जो कि मेरे चैनल पे नए व्यूवर्स हैं और पहली बार आए हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मानव एंड यू आर वाचिंग टीटीटी गेमर्स। सो वीडियो को शुरू करते हैं। यानी रोज गेमिंग का डोज लेने के लिए सब्सक्राइब किया करते हैं और बेल आइकन को दबाया करते हैं। तो सबसे पहले हम उनका थैंक्स करना चाहते हैं जिनका ये क्रेडिट जाता है वीडियो बनाने में, मैट तमीजा, तो उनका भी देख लेना चैनल जाकर। तो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है लीग्स टपा टप टपा टप। तो वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले जो हमारे पास आउटफिट आती है 1 RP पे आपको मिलेगी नाइट कमांडर सेट, तो बहुत ही गजब होने वाला है। सो गाइस ये थोड़ा सा इसको अपग्रेड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा जो कि लेवल 2 का है। इसका नाम होगा ब्लैक कमांडर सेट और तीसरा जो होगा हमारा मिथिक बन जाएगा, वो होगा RP पॉइंट से अपग्रेड लेवल 5 तक, उसका नाम होगा रेड कमांडर हेड गियर। सो गाइस ये बहुत ही गजब होने वाली है इस बार की जो कि अपग्रेड उन्होंने स्कीम चलाई है पबजी वालों ने। तो पर इसके लिए आपको पॉइंट भी चाहिए होंगे, वो शायद आपके पास शायद पूरे ना हो, तो आपको लेजेंडरी तक तो मिल जाएगी लेवल 2 तक, पर लेवल 3 और 5 की आपको मिलेगी तभी अगर आपके पास होंगे पॉइंट 4500 के आसपास होते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारी 100 RP की आउटफिट। भाई सबसे बढ़िया लगी है मेरे को, जितने भी रॉयल पास आए हैं उनमें से सिर्फ 2 रॉयल पास ही मेरे को बढ़िया लगे। एक था वो निंजा वाला रॉयल पास 9 और जो अब आ रहा है रॉयल पास 14। तो ये बहुत ही गजब होने वाली आउटफिट आप देख ही सकते हैं, ये कुछ ब्लू और पर्पल कलर का कुछ कॉम्बिनेशन है, तो बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा। तो अगर आपको भी लगी है तो जाकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज अगर आपने सब्सक्राइब ना किया तो जो अब आपको स्किन दिखाने वाला हूँ मैं डासिया की, उसको देखने के बाद अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। तो आई ना पसंद, तो अगर पसंद आई तो कर दीजिए अब जाकर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस आप देख ही सकते हैं कितनी धांसू उन्होंने स्किन इस बार डाल दी है डासिया की। तो कुल मिला के इसको अगर मैं रेटिंग दूं तो 10 में से 10 ही होगी। मैड फ्यूरी रोड अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें ऐसी गाड़ी यूज होती थी खुद की बनाई हुई। सो गाइस पर ये बनी बनाई ही आएगी आपके लिए डासिया। सो गाइस कतई उन्होंने स्कैरी साइज को रूप दे दिया है तो मेरे को बढ़िया लगी, तो इस बार का रॉयल पास में इसी की ही लिए लेने वाला हूँ। ओके तो अब बात कर लेते हैं इस बार के रॉयल पास की गन की स्किन, जो की होने वाली है M416 की। तो गजब होने वाली है, ब्लू और व्हाइट 3-4 कलर्स का इन्होंने कॉम्बिनेशन दिया है, तो मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी। और इनको कलर चेंज करना चाहिए था क्योंकि पिछली बार भी इसी कलर की ही गन इन्होंने डाली थी, बट रॉयल पास से मैच करना था ना 100 RP से, तो उस आउटफिट से मैच करने के लिए शायद इन्होंने ब्लू ही कर दी हो। तो इसके बाद हमारे पास जो रिवार्ड आता है वो है M24 स्नाइपर की स्किन, जो कि सिल्वर कलर की होने वाली है। तो ये आपको फ्री में मिलेगी जब आप डायमंड फायर पर पहुंच जाएंगे, तो आपको ये फ्री में रिडीम करने को मिल जाएगी। सो गाइस अब बात कर लेते हैं RP1 वाली गन स्किन की, वो होने वाली है शॉर्ट गन की। तो आप देख ही सकते हैं जो कैसी होने वाली है। सो कुल मिला के सभी रिवार्ड बहुत ही अच्छे हैं इस बार के रॉयल पास के। तो आगे बढ़ते हैं हमारी लीक्स की ओर। तो गाइस इसके बाद हमको एक पैन की स्किन भी शायद, पक्का नहीं कह सकता, शायद देखने को मिल सकती है रॉयल पास में इस बार के। तो इसके बाद अगर हम बात करें वो होने वाला है हमारा एक फ्रैगनेट की स्किन, जो की आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छी होने वाली है ब्लू कलर और गोल्ड कलर की। तो इसके बाद अगर हम बात करें वो भी एक स्किन ही होने वाली है, जो कि है एक आर्गुमेंट जो कि आपको बैग के ऊपर टांगने को मिलता है। तो इस बार का सबसे अलग और सबसे बढ़िया है मेरे को तो लगा है ऐसा ही है। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। अरे फिर वही बात, कितनी बार बताएगा। तो गाइस आपकी जो मैं आपको आउटफिट दिखाने वाला हूँ उसका मेरे को कुछ मालूम नहीं है किस RP पे आने वाली है, पता नहीं रॉयल पास में आने भी वाली है कि नहीं आने वाली है। तो गाइस RP तो 14 ऊपर जरूर लिखा है, पर आ सकती है शायद ये 1 पे, पर हमारा नाइट जो कमांडर है वो कहां पर जाएगा मेरे को ये नहीं पता।
सो गाइस कुल मिला के ये एक मिथ सा बन जाता है, तो मैं पक्का नहीं आपको घुंघरा नहीं करना चाहता है, ये आएगी पक्का, यहाँ पर आएगी ही। तो जिस बात का नहीं पता हम आपको मना कर देंगे भाई, हमको नहीं पता भाई। तो इसके बाद वाली जो आउटफिट है वो भी हमको नहीं पता भी कन्फर्म आएगी कि नहीं, क्या ये आरपी रिवॉर्ड में आएगी या आरपी क्रेट्स में आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, जिनकी कन्फर्मेशन है उस पक्का आने वाली है आउटफिट्स वगैरह स्किन्स वगैरह। सो गाइस जो हमें फ्री रिवार्ड में डायमंड थायर पर मिलने वाली है आउटफिट वो है जे, जो कि सिल्वर कलर की होने वाली है और काफी शाइन कर रही है। शायद ये रियल में भी ऐसे ही करे, क्योंकि गाइस ये कलर्स वगैरह और शाइन वगैरह आपके डिवाइस के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इसके बाद हमारे पास जो लीक्स निकल के आई है उनमें से एक है बैकपैक, जो कि आप लेवल 1 देख रहे हैं, इसका नाम है फायर फाइटर बैकपैक। तो लेवल 2 पे ये ऐसा होने वाला है और लेवल 3 पे कुछ और भी बढ़िया और धासू दिखने वाली है। तो कुल मिला के गजब ही होने वाला है इस बार का रॉयल पास। तो इसके बाद हेलमेट की बात कर लेते हैं, जो कि आने वाला है हमारे रिवार्ड में। तो जो होने वाला है कुछ ऐसा, तो लेवल 2 है अब इसका, तो इसका लेवल 3 भी कुछ बढ़िया ही है, तो ठीक ठाक है, जो कुछ ज्यादा बढ़िया भी नहीं है, कुछ ज्यादा खराब भी नहीं कह सकते, तो ठीक ठाक है, तो मेरे को तो अच्छा लगा है। तो गाइस फटाफट इमोट्स की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे पास मिथिक इमोट आने वाला है वो आप देख ही सकते हैं कितना गजब होने वाला है। तो कुल मिला के जे इमोट तो बाकी में ही सही है, तो मस्त भी है। तो इसके अलावा जो नाइट कमांडर हमारा आने वाला है मिथिक और रेड रूट जो भी है, उनके भी अलग अलग से इमोट्स आने वाले हैं, जो कि सभी इमोट जितने भी आ चुके हैं उन सभी से अलग होने वाले हैं। तो गाइज उनको भी जरूर देख लेना, पहले जे आप इमोट देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। सो गाइज जो अगला इमोट आपने देखा है वो भी आरपी रिवार्ड में ही आने वाला है, तो जे भी काफी मस्त और काफी गजब होने वाला है। तो इसके बाद अब हम अपने नाइट कमांडर की बात करते हैं, जिसके इमोट काफी डिफरेंट होने वाले हुए इस बार के रॉयल पास में। सो सबसे पहले इमोट होने वाला है वो है ये, जो कि अपने आप को मम्मी में कन्वर्ट कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा एनिमेशन हो रहा है। तो एनिमेशन वाला इमोट मैंने पहली बार देखा है इस बार के रॉयल पास में ही। तो कुल मिला के ये जो होने वाला है अगला इमोट, जो कि ये हाथ में डायमंड दिखा रहा है, तो ये भी बहुत बढ़िया इमोट होने वाला है। तो ये पर सिर्फ आपको मिथिक कमांडर सेट अपग्रेड करने के बाद ही मिलेगा। अगर आप कमांडर सेट को मिथिक तक अपग्रेड कर लेते हैं तभी ये दोनों इमोट आपके हो सकते हैं। तीसरा जो इमोट हमारे पास आता है वो है ये, जो कि सभी इमोट से डिफरेंट है, नीचे से कुछ निकाल रहा है, ये कुछ देख ही सकते हैं भी कैसा होने वाला है। तो ये वाकई में बहुत ही गजब होने वाला है। जो चौथा हमारा होने वाला है वो है ये एक और इमोट, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी में से। और जो पांचवा होने वाला है वो भी नाइट कमांडर का ही होने वाला है, वो है ये। तो इसका अभी तक पूरा वीडियो नहीं सामने आया है, तो इसका पूरी वीडियो आएगा तब ही जब रॉयल पास आ जाएगा। तो इसके बाद गाइज मेरे पास दो कंफ्यूजन और आती है, जो कि है किन, जो कि आने वाली है शायद रॉयल पास में, सीजन में तो आएगी पर ये नहीं पता क्रेट्स में आएगी या फिर आरपी रिवार्ड में। मेरे को तो नहीं लगता ये आरपी रिवार्ड में आने वाली है। तो जुएजी की स्किन आप देख ही सकते हो कितनी धासु है, तो ऐसी स्किन ये शायद ही दें इस बार के रॉयल पास में, तो क्रेट्स में आने बनती है, तो देखते हैं भी क्या बनता है रॉयल पास आने पर ही। तो लास्ट में गाइस एक एरोप्लेन की स्किन और अवतार फ्रेम आने वाला है वो आपको दिखा देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कुछ टॉपिक के बारे में, जैसे कि इस बार का पूरा सीजन 3 थीम पे बेस होने वाला है, जो कि पहला है जंगल एडवेंचर, और दूसरा है इजिप्ट ममीज वगैरह के ऊपर, और तीसरा है हमारा रॉयल पास। तो तीनों ही बहुत ही गजब गजब स्किन्स लाने वाले हैं, तो गजब गजब इवेंट भी आने वाले हैं और मस्त सा होने वाला है इस बार का सीजन। तो जाइए रॉयल पास खरीद लीजिए, अगर आप खरीद नहीं सकते तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, जो कि इस वीडियो में मैं रख रहा हूँ गिव वे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो लास्ट वाला इंट्रो जरूर मेरा देख लेना, इंट्रो अगर पसंद आए तो जाकर गिव वे के लिए तो कमेंट कर ही दोगे आप। तो तब तक के लिए अगली वीडियो आएगी, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, जय माकल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहते हैं, शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि, good night and take very good care of yourselves, ladies and gentlemen, thank you.